तीन समांतर रेखाओं एल एम एवं एन को दो तिर्यक रेखाएं क्रमशः ए बी सी तथा डी ई एफ बिंदुओं पर काटती हैं। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा डी ई बराबर 5.5 सेंटीमीटर हो तो ई एफ का मान क्या होगा। इसे बच्चों में चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ये एक समांतर रेखा है, ये एक एल है, उसी के समांतर में ये रेखा एम है, उसी के समांतर में ये एक रेखा एन। तो ये कौन सी रेखा है, ये आपकी है एल, ये आपकी है एम और ये आपकी है एन। ठीक है, इसको दो तिर्यक रेखाएं है ना, इसको काटते हैं। देखिए दो तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा, और दूसरी तिर्यक रेखा, इसको ऐसे काटती है, ये काटती है इसको, ए बी और सी पर, और ये इसको काटती है डी ई। देखिए ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ए बी ये 4.5 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 4.5 भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डी ई 5.5 है, डी ई क्या है 5.5 है, तो ई एफ कितना होगा। तो मित्रों मैं बता दूं आपको, ई एफ भी आपका 5.5 सेंटीमीटर ही होगा। ई एफ भी आपका 5.5 सेंटीमीटर ही होगा। इसका आंसर यही होगा।